मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के जलगांव में एक भीख मांगने वाली अंधी बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बने सीवर के चैम्बर में गिर गई, क्योंकि वहां पर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ था। आपको बता दें कि ये अंधी बुजुर्ग महिला जो है ये भीख मांगती थी और अचानक से रास्ते में जो है चैम्बर खुला हुआ था सीवर का और उसमें ये गिर गई। नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही ये मानी जा रही है, जो ऐसे सीवरेज खुले हैं उन पर ढक्कन नहीं लगाया गया है। मनपा प्रशासन के खिलाफ जनता में आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि ये जो महिला चैम्बर में गिरी, इसे स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला किसी तरह से, लेकिन इस महिला को जो है हल्की फुल्की चोट भी लगी हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नगर निगम से सटे गोलानी मार्केट इलाके में हुई है, जहां पर सीवरेज चैम्बर का ढक्कन न होने की वजह से खुले हुए सीवरेज में ये अंधी बुजुर्ग महिला गिर गई। और इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। या नगर पालिकेचे जे चेंबर आहे दुकानांच्या मागे, त्या चेंबरवर झाकण नसल्यामुळे एक म्हातारी अंध म्हातारी काल रात्री संध्याकाळी पडून गेली। त्याचा फार खरचटला पण वाचून गेली ती याच्यातून। तर लवकरात लवकर याच्यावर चेंबरवर झाकण बसवण्यात यावे व महापालिकेच्या मागील जी घाण आणि रोड आहे ते चांगलं करण्यात यावे। काय नेमकी समस्या इथे? महानगरपालिकेच्याच बाजूला चेंबर आहे काय? हो, महानगरपालिकेचीच मागची बाजू ही मार्केटच्या मागे आहे। त्याच्यामध्ये गटार नसल्यामुळे सगळी घाण साचते, कचरा टाकतं लोक, कचऱ्याची विल्हेवाट कधी लावली जाते कधी लावली जात नाही। पावसामुळे घाण होते, पूर्ण मच्छर झालेले आहेत आणि रोड मंजूर अजून केलं नाही। हे सगळे चेंबर उघडे आहेत, या चेंबरवर झाकण ठेवण्यात यावे आणि कोणी आता जीव गेला तर त्याला फार घातक प्रकार आहे।